आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपकी ये परीक्षा तो छोटी है, ज़िंदगी में आप कभी भी परीक्षा दोगे इन वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे। जितने सिलेक्शन के लिए चाहिए उतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसी भी परीक्षा में। तो इसी क्रम में आपका जो पहला क्वेश्चन है, और सिर्फ एक विषय के सिर्फ 10 वीडियो होती है मुश्किल में 10 वीडियो। वैसे तो 7 वीडियो में हम ख़त्म कर देते हैं एक सब्जेक्ट को, तो देखते हैं कितने में ख़त्म होती है केमिस्ट्री। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, नीला थोता का रासायनिक नाम। तो नीला थोता जो होता है, इसका रासायनिक नाम बच्चों होता है कॉपर सल्फेट। आपने देखा भी होगा आपके स्कूल में, आपकी लैब में जो कांच की बोतल होती है उसमें नीले कलर का एक पदार्थ भरा रहता है, कॉपर सल्फेट। कील का आपने प्रयोग भी किया होगा, कील ले आना आप और कॉपर सल्फेट से क्रिया कराना। तो कॉपर जो होता है, आप कॉपर माने तांबा, कॉपर माने तांबा, तो तांबा का जो कलर होता है वो कलर आपके कील पर चला जाता है, माने आयरन पर चला जाता है। और जो कील है वो तांबे जैसी लगने लगती है, लोहे की कील को तांबे की कील बनाना, ऐसा प्रयोग आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाम पूछा था और रासायनिक क्रिया हमने आपको बता दी। तो नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। गाँव की भाषा में इसे क्या कहते हैं? जब ये ठोस होता है तो इसको नौनिया गंधक कहते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछना, जब आप छोटे थे, हम छोटे थे, आप तो आप एडवांस हो गए हो, जब हम छोटे थे तब खाज खुजली दाद हो जाती थी तो नौनिया गंधक बाजार से वो आपके पापा लाते थे, तो उससे खाज खुजली ठीक हो जाती थी, ठोस नौनिया गंधक। ठीक है, तो उसी को नीला थोता कहते हैं। आज भी बाजार में बड़े ही आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो ये छात्रों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित मान इस पे आवेश नहीं है। तो आवेश रहित कण है आपका न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। और इसका जो संकेत है बच्चों, इस प्रकार होता है N। ठीक है, इस पर क्या बच्चों? शून्य आवेश होता है, जीरो आवेश होता है, पूछ सकते हैं वो। जीरो आवेश किस पर होता है बता देना, न्यूट्रॉन पर होता है। इसके अलावा बच्चों बताएं आपसे क्या पूछेंगे, अब उसको समझ लो। जैसे कि बच्चों एक परमाणु का चित्र बना रहा है हम, ठीक है, बन गया। अब वो आपसे बता क्या पूछेंगे, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर बच्चों ऋण आवेश होता है। कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। पूछेंगे प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है बच्चों? तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और जो आपका प्रोटॉन है बच्चों ये नाभिक में होता है। कहाँ पर होता है? नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब बच्चों आपसे वो इम्पोर्टेंट जानकारी और पूछेंगे, समझो वो पूछेंगे इनकी खोज बताओ बच्चों। तो देखो जिंदगी भर के लिए सिखा रहा है आपको, ईंट पर नाच, समझना बच्चों, ईंट पर नाच। तो ई माने इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, जिसको हम थॉमसन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। पर से मतलब है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। कई बार बच्चों गोल्डस्टीन भी लिखा रहता परीक्षा में, तो अगर रदरफोर्ड भी आ जाए, गोल्डस्टीन भी आ जाए तो गोल्डस्टीन सही करना, और गोल्डस्टीन नहीं आए तो रदरफोर्ड सही करना आप। नाच माने न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, जिसे हम जेम्स चैडविक भी कहते हैं। तो कितने अच्छी ट्रिक थी। इसी तरह बच्चों इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व +4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो बच्चों देखो अभी क्या है, अपन ने एक चित्र बनाया था, ये नाभिक हो गया आपका। अब पूछ रहा है ये नाभिक इसकी द्रव्यमान संख्या बता दो। तो बच्चों नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। और जो नाभिक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से क्या बना है? न्यूक्लियॉन। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो बच्चों नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या। मतलब बच्चों जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है
इनकी संख्या ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परीक्षा में तो पता है बच्चों क्या पूछेंगे आपसे, वो इतना ही पूछ लेंगे कि न्यूक्लियन क्या क्या होते हैं, तो बता देना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है, जिसे हम परमाणु भार भी कहते हैं। ठीक है प्रिय छात्रों, इसी तरह YouTube चैनल पर बने रहें। आपका जो बच्चों अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है? तो टेफ्लॉन, तो बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आए तो तुक्का भी लगाओ तो दिमाग से लगाया करो। टेफ्लॉन, तो यहाँ मिलता शब्द क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो टेफ्लॉन किससे बनता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बनता है। बच्चों आपसे क्या पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि घर की किचन में आपके फल जो हैं लाते हैं वो पक क्यों जाते हैं, तो उत्तर बता देना, एथिलीन के कारण फल पक जाते हैं। अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो कि जो गैस वेल्डिंग होती है किस गैस के जलने से होती है, तो बता देना एसीटिलीन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन के, यही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। आपका बच्चों अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन के पीएच का मान होता है? तो बच्चों पीएच पर हमेशा प्रश्न आता है, ध्यान रखें पीएच पर हमेशा प्रश्न आता है। 7 से ऊपर पीएच हो, माने कि 8, 9, 10, 11, 12, तो बच्चों वो क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं। वो क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं। और 7 से कम पीएच हो, ऐसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो बच्चों वो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, ध्यान रखना। अब प्रश्न पर चलते हैं अपन, अम्लीय विलयन के पीएच का मान, जब अम्लीय विलयन यहाँ बोल दिया हमने कि 7 से कम हो, तो उत्तर यहाँ कहाँ पर है, 7 से कम पहला ही लिखा हुआ है, 7 से कम, 7 से अधिक होता तो बच्चों क्षार होता है, 7 के बराबर होता तो इसे उदासीन बोलते हैं। ठीक है, 7 से कम, यहाँ हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, बे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो बच्चों प्रश्न आप ध्यान से पढ़ा करो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, समान समान माने सम, समान माने सम, तो यहां पर देखो आपका जो विकल्प है डी, इलेक्ट्रॉन की संख्या सम हो, सम हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब वो आपसे क्या पूछेंगे परीक्षा में, यही घुमाते कुछ नहीं करते वो, समस्थानिक माने जहां में प्रोटोनों की संख्या समान हो, प्रोटोन माने परमाणु क्रमांक, समस्थानिक कौन होते हैं जिनमें प्रोटोनों की संख्या माने परमाणु क्रमांक समान हो, एक यहां से प्रश्न बनेगा। समभारिक, भारिक माने परमाणु भार समान हो, वो समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आपने ही मन में सोच लिया जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वो समन्यूट्रॉनिक। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो आप ध्यान से प्रश्न देखें। अगला जो प्रश्न है बच्चों, रेडियो सक्रियता की इकाई है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी है, क्या है, क्यूरी। अगला जो प्रश्न है बच्चों, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। वायुमंडल में कितने परसेंट होती है, ये 78% होती है। ऑक्सीजन पूछ लेंगे आपसे, बता देना 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछ ले मैं, तो बता देना 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 होती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम धातु है, तो बच्चों यहां पर देखो आप, यहां पर इसका उत्तर देखते हैं, तो उत्तर आपको चारों विकल्प ध्यान से देखना है, प्लैटिनम। अगर बच्चों आपको ऐसा प्रश्न मिले कि हीरा लिखा मिल जाए, तो उत्तर फिर आप इसका हीरा सही करेंगे, अब हीरा नहीं है तो प्लैटिनम सही है। ठीक है, प्लैटिनम की अंगूठी भी आती है, पता करना, बहुत महंगी आती है, सोने से महंगी आती है प्लैटिनम की अंगूठी।
ठीक है। और प्लेटिनम का जो संकेत है बच्चों क्या होता है, पीटी होता है, ठीक है। तो कठोरतम धातु क्या है, प्लेटिनम है। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है। नॉन स्टिकी माने आपके घर में जो बर्तन होंगे जो काले कलर वाले होंगे उनमें क्या है, आप कुछ छोंकती हैं तो वो चिपकती नहीं है, तो वो उसे नॉन स्टिकी बोलते हैं। वो किससे बनता है, तो नॉन स्टिकी बर्तन जो हैं बच्चों टेफलॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं, टेफलॉन से बनते हैं नॉन स्टिकी बर्तन। अब पूछ सकते हैं कि टीवी जो होती है, एलईडी होती है, एलसीडी होती है, इसकी जो बॉडी किससे बनती होती है, तो बैकलाइट से बनती है, ठीक है। तो और चूड़ियाँ किससे बनती हैं, तो उसे बनती हैं उसमें लाहा बोलते हैं, लाहा यहाँ लोहा लिखा है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं। लाख से बनती हैं चूड़ियाँ, लाख एक अलग पदार्थ होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या है बच्चों, जो 88 रेडियम 226, इसको पहले लिखना सीखो। माना कि कोई एक तत्व है, कोई एक तत्व है आपके सामने, कोई भी हो सकता है, ऐसी संख्या लिखी होती है 88 और इस तरह से संख्या लिखी होती, तो यह जो संख्या लिखी होती है उसे प्रोटॉन बोलते हैं या परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है इसे परमाणु भार कहते हैं। और जब परमाणु भार में ऐसे ये संख्या घटा देते हैं बच्चों, तो न्यूट्रॉन निकल के सामने आ जाते हैं। माने 226 में से ये घटा देना, न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो देखते हैं, पूछ रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताओ। तो न्यूट्रॉन देख लो पहले, तो 226 में से आप 88 घटाओ, 226 में से आप 88 घटाओ, तो उत्तर कितना आता आपका, 138 आता। लो आ गया उत्तर, ये क्या है, 138 है, तो आपका उत्तर कैसे 138। और प्रोटॉन निकालने नहीं है, वैसे ही पता है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन होते हैं, तो आपका 138। इस तरह से यहाँ पर इस तरह का कभी भी प्रश्न आ जाए तो इसी तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकाले जाते हैं। माने ये संख्या प्रोटॉन होती है और इसमें से ये घटा दो तो न्यूट्रॉन निकल के सामने आ जाते हैं, ये सिंपल सी थ्योरी है। अगला जो प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। माने आप अचार खाते हो, बाजार से लाते हो, अब अभी अचार, अभी आम तो का सीजन चला गया है, एक साल बाद आम के अचार खाओगे तो वो ख़राब नहीं होंगे, तो उनको बच्चों क्या है, अचार को बेंजोइक अम्ल में रखा जाता है, बेंजोइक अम्ल में रखा जाता है, उनका परिरक्षण किया जाता है जिससे वो ख़राब नहीं होते। अपन जैसे सरसों के तेल में रख देते हैं तो वो भी एक परिरक्षण है, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल इसका उत्तर है, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है बच्चों आपका, परिशोधित स्प्रिट क्या है, परिशोधित स्प्रिट क्या है, तो इसका आपका सही उत्तर क्या है, ये आपका सही उत्तर है 95.57% इथाइल अल्कोहल व 4.43% जल। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया। माने लैब में, प्रैक्टिकल लैब में यूरिया सबसे पहले किसने बनाई थी, तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया बर्थोलेट ने बनाई थी। यूरिया का वो सूत्र पूछते हैं आपसे, तो क्या बता देना, उसका जो सूत्र है बच्चों, ये सूत्र है NH2CONH2, ये आपका यूरिया का सूत्र है। लैब में इसको सबसे पहले बर्थोलेट ने बनाया था, ऐसा ही पूछेंगे कि लैब में बनाया जाने वाला सबसे पहला ऐसा केमिकल पदार्थ कौन सा था, तो बता देना यूरिया था, क्या था, यूरिया। अगला जो प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी अपन ने देख लिया है, बता दो NH2CONH2 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ पर NH2CONH2। अच्छा इसका नाम बताओ, अमोनिया, इसका नाम बताओ, अमोनियम क्लोराइड, पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोना का लैटिन नाम क्या है, सोना का जो लैटिन नाम है ओरम है, क्या है, ओरम। चांदी का पूछ लें बता देना तो अर्जेंटम, तांबे का पूछें तो क्यूपरम, ठीक है, और लोहा का पूछे तो बता देना फेरम, ठीक है। सोना का पूछा ओरम, सोना का संकेत क्या हुआ बच्चों, AU, ध्यान रखना। और बहुत लचीली धातु है सोना, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे।
अगला प्रश्न है बच्चों, कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। अभी अपन बात कर रहे थे आपकी किचन है और किचन में फल पक जाते हैं, किससे पक जाते हैं, तो वहाँ पर अपन ने क्या सीखा था, एसिटिलीन गैस। क्या सीखा, एसिटिलीन नहीं, एथिलीन गैस। एथिलीन गैस अपन ने वहाँ पर उसका उत्तर निकाला था, एथिलीन गैस। एसिटिलीन से तो गैस बिल्डिंग होती है, हैं ठीक है। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। अब यहाँ पर देखो प्लेटिनम भी लिखा हुआ है, हीरा भी लिखा हुआ है, तो अब आपका उत्तर क्या है, हीरा सही है। अगर हीरा नहीं लिखा होता तो प्लेटिनम सही लगा देते, कोई समस्या आपको नहीं है। अगला जो प्रश्न है पूछ रहा है कि साधारण विलयनों में पीएच का मान कितना होता है, तो सिंपल सी बात है, 0 से लेकर 14 होता है, 0 से लेकर 14 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नींबू आपका खट्टा होता है, अम्ल है नींबू, पता है आपको, नींबू साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। नींबू जो खट्टा आपका होता है किस कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण, और अम्लीय पदार्थ खट्टे होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल। अम्ल आप जानते ही हैं, आपकी इमली है, इमली है तो इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। आपका जो ऑरेंज है, ऑरेंज में एसिटिक अम्ल होता है। अच्छा, आधा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कभी देखा है आपने, आपके लैब में रहता है, इसके अलावा आपके पेट में भी रहता है, पेट में आपका एसिटिक अम्ल वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ है, ये पेट पेट में बनता है आपके। चलो अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो आपको पता है कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज एफ जूलियट व आई क्यूरी ने की, एफ जूलियट व आई क्यूरी ने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी।